शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से गंगा नदी के किनारे बसा है मेहनती और जिंदा दिल लोगों का शहर कानपुर। आगे बढ़ने का हुत यहां भी है, पर इतना नहीं कि रिश्ता पीछे छूट जाए। आज हम आपको मिला रहे हैं इतनी तंग गलियों में रहने वाले एक खुले और बड़े दिल वाले बैंक मैनेजर सक्षम दीक्षित के परिवार से। ये कैसी रोशनी, ये कैसा जहां है, जमीन पे मैं नहीं ना ये आसमां है। दिल यूं ही बेवजह क्यों धड़कने लगा, हाय मचलने लगा, क्या हुआ क्या हुआ। सब साफ सफाई करने में, हर चीज को सही जगह रखने में, मेहमान आते होंगे और घर की हालत देखो जरा। आज सीधा करते हैं इसे हम। कीर्ति, दिल खोल के नाचने से तन और मन रहते हैं दोनों फिट, इसीलिए गाना हमेशा चुनना बिंदास सुपर हिट। कीर्ति, इस लड़की ने इतना परेशान कर रखा है मुझे, मैं क्या। कीर्ति, ब्रेक के बाद कीर्ति मिलेगी आपको दोबारा, तब तक हमारा प्यार भरा सायोनारा। तो ये है तुम्हारा फूल थ्रू, जिसकी वजह से तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, कब से चिल्ला रहे हम। मम्मी प्लीज, कितनी बार हमने कहा है, पहले चेक कर लिया करिए कि हम कहीं लाइव तो नहीं है, या हम अपने फैन से बात कर रहे हैं और वहाँ पीछे आपका माता का जाप चालू है। एकदम चुप, घर घिस घिस के साफ किए थे हम, देखो तुम क्या कर दी हो। क्या किया? मकान बहुत बुरा चलने लगी तुम्हारी, हम बता दे। मम्मी आप, मम्मी मुझे लग रहा है आप हमें बताइए हमने क्या किया। मैं बताती हूँ, आओ अभी बताती हूँ क्या किया है तुमने। हाँ छोड़िए हमारा, पहले ये बताओ कौन फैन है तुम्हारे, जिनसे सारा दिन बताती रहती हो। वही याद ही नहीं कि बड़ी बहन के लिए कितना खास दिन है आज। अरे तो हमने ऐसा क्या कर दिया कि इतना शोर मचा रही हो। अरे नाचने से कभी मना किए हैं तुम्हें? नहीं ना, पर ये तोड़फोड़ काई मचा रखी है तुमने। मेहमानों के आने से पहले तुम ये घर की हालत देख। मम्मी जादू देखो, जादू।
सब पता है हमें ये तुम्हारा जादूगर कौन है। मैं बताती हूँ, श्रद्धा, श्रद्धा बेटा बाहर आना। जी मम्मी, तो ये रहा तुम्हारा जादूगर। मिलोगे नहीं? मैं मिलवाती हूँ। नहीं मम्मी, नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ है? अरे नीचे आओ, सा कुछ बहुत नौटंकी हो गई। आओ मिलवाती हूँ। ती पता नहीं कब तुम्हें अकल आएगी, इतनी बड़ी हो गई हो और बच्चों की तरह बिहेव करती हो। सच्ची आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया, मैं बता रही हूँ। क्या किया मैंने? हाँ अभी बताती हूँ क्या। अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों की जुगलबंदी। एक रायता फैलाती है तो दूसरी उसका फैलाया सब समेट देती है। इसीलिए कह रहे थे कि कॉलेज के आखिरी साल में ये महंगे फोन और ये फुंतरू ना दिलवाओ इनको। अब देख रहे हैं पढ़ाई में कम और डांस में ज्यादा मन लग रहा है इनका। अरे क्या हो गया अगर उसने थोड़ा बहुत हमारी छूट के नतीजा है कि तुम ये सब कुछ कर रही हो। अब देखो ना, माँ को नाराज कर दिया तुमने, कितना गुस्सा आ रहा है उन्हें। मिश्रा जी का फोन है, एक मिनट। हाँ मिश्रा जी, नमस्कार। अरे कैसी बात कर रहे हैं मिश्रा जी, आपने रिश्ता बताया तो अच्छा ही होगा ना। हाँ घर पे आने वाले हैं वो लोग। हाँ बाकी सारी तैयारियां हो गई हैं। हाँ बस जी, मेरी मजीशियन तीतू, थैंक यू। हेलो, नहीं 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 सर, हम अभी आ रहे हैं। जी सर, जी जी जी। क्या हुआ मम्मी, किसका फोन था? बबलू के स्कूल से फोन आया था, प्रिंसिपल सर ने अभी बुलाया। अब लड़के वाले आने वाले हैं, श्रद्धा सब तैयारियां बाकी हैं और इस लड़के ने आज ये सब करना था। कीर्ति बबलू के स्कूल जा, प्रिंसिपल सर से बात कर और फटाफट घर वापिस आ, चल जल्दी जा। भगवान, 11 बज गए। 11 बज गए मम्मी, सॉरी हम ना डिम्पी के बर्थडे के लिए बहुत लेट हो रहे हैं। चलो हम जा रहे हैं, अब आप लोग से बाद में बात कर। तुझे जरा भी शर्म नहीं है ना? तुम्हें पता है ना कि श्रद्धा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मम्मी मेरी बात सुनो, ये जो बर्थडे का प्लान था ना, लड़के वालों के आने से पहले का बना हुआ था। आई प्रॉमिस हम लोग बहुत जल्दी आ जाएंगे। जो पर कुछ काम नहीं करती है लड़की, क्योंकि इसे कुछ आता जाता ही नहीं है। मम्मी आपने ना क्लियरली आज हमारा डांस नहीं देखा, लाइव डांस। अरे ये देखो क्या नाचा हमने, कोई ऐसा नाच के दिखाए पूरे कांच। नहीं 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 भैया, हमने तुम्हारा कोई डांस वांस नहीं देखा, सारा दिन ये डांस ही देखते हैं। अरे मम्मी आप आइए आइए आइए, इधर बैठो, इधर बैठ, इधर बैठ। माइक में सब बर्दाश्त करते हैं, शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। मम्मी मैं जानती हूँ आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, आप इतना टेंशन मत लीजिए। बबलू के स्कूल मैं चली जाऊंगी और जल्दी आ जाऊंगी। कीर्ति हाँ, तू जल्दी वापस आ जाएगी ना? हाँ 200% 200% माय फेवरेट दीदू, आई लव यू। मम्मी थोड़ा हंस भी लिया करा। बाय। बेटा तू कैसे जाएगी बबलू के स्कूल, तुम्हें खुद भी तो तैयार होना है। घर का सारा काम हो गया है और मैं बबलू के स्कूल से जल्दी आ जाऊंगी, आप प्लीज इतना टेंशन मत लीजिए। पता नहीं कौन से पुण्य किए हमने,
जो तुम मिली, जिस घर में भी जाएगी उसे मायके की तरह स्वर्ग बना देगी। माता रानी की कृपा है कि सारी चीजें टाइम से हो गई। सुनिए सुनिए, निकलना है हमें। कहाँ रह गए आप? मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे भाई, आप और आपका ये मुहूर्त देखिए, हम तो बिल्कुल रेडी हैं। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए। अब श्रद्धा को देखने जाना है या नहीं, मुहूर्त निकला जा रहा है। वैसे आपके दोस्त मिश्रा जी ने श्रद्धा की इतनी तारीफ की है कि अब तो हमसे रहा ही नहीं जा रहा। वैसे पंडित जी ने जाने का मुहूर्त निकाल दिया था, मैंने वरुण को भी बता दिया है, देर नहीं होनी चाहिए। बस बाकी सब आ जाए तो फिर निकलते। देखिए, हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और हमें किसी भी तरह की नकारात्मक सोच आसपास भी नहीं चाहिए। आप तनुजा और अनुज को मना कर दीजिए। नैना, परिवार बढ़ने जा रहा है और परिवार वालों को आने से मना कर दूं मैं? और वैसे भी तनुजा घर की छोटी बहू है और आपकी देवरानी भी तो है। वही तो, पीछा ही नहीं छोड़ती वो हमारा। बचपन में पड़ोसन बन के और अब देवरानी बन के बस परेशानी किया है हमें। इसीलिए हमने पहले दिन ही कह दिया था कि दोनों की रसोई अलग अलग ही होगी। उस बार आपकी शर्त बिना कुछ कहे हम दोनों भाइयों ने मान ली थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा नैना। आज तनुजा और अनुज हमारे साथ चलेंगे और ऋतु भी आएगी। हाँ हाँ, पूरी नाटक मंडली ही साथ लेकर चलिए ना। वैसे भी जब से ऋतु तलाक लेकर आई है ना, तब से ऊपर मंजिल नीचे मंजिल करके नौटंकी लगाए रखती है। अब वहां पे भी दिखाए अपना जलवा। हमारा जलवा है ही देखने लायक। शुरू कर देती है। नहीं भाभी, वाह वाह, क्या खूबसूरत है आप। अब तो बड़ी ही किस्मत वाली है, खूबसूरत और कमाऊ बहू मिलने वाली है आपको। श्रद्धा, तुम इस स्कूल की एक्सेप्शनल स्टूडेंट रही हो, फैशन डिजाइनर बन गई हो, अच्छी कंपनी में काम कर रही हो, लेकिन तुम्हारा ये भाई पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस नहीं है। इस महीने इसकी ये तीसरी कंप्लेंट है। क्या हुआ सर, कुछ किया इसने? स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है, बट ये स्कूल में मोबाइल लेकर आता है, गाने सुनता है, इज डिस्टर्बिंग द होल क्लास। सर, वो गाना नहीं, रैप था, और आर्ट्स एंड क्राफ्ट में मेरे 100 में से 75 आए। वो भी तो दीदी को बताइए, ऐसे सिर्फ शिकायत करके बच्चों को मत सताइए। बबलू, देखा, he is a brilliant student, और अगर यही दिमाग पढ़ाई में लगाए तो ये बहुत आगे जा सकता है। अगर 3-4 महीने में इसकी पढ़ाई में सुधार नहीं हुआ, surely he is going to fail। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, मैं पर्सनली ध्यान रखूंगी इसका। बड़ी भाभी, हमें ये तो बताइए कि हम कैसे लग रहे लड़की वालों के यहाँ जाने के लिए। वैसे हम भी क्या सवाल पूछ रहे, हम तो हर बार अच्छे ही लगते हैं। पर ये देखिए, हमने नया सूट सिलवाया है, ये रंग जच रहा है ना हम पर। ये तनुजा कहाँ रह गई? हाँ,
बड़ी भाभी शुक्र है आ गई, आ गए हम। छोटे भाभी के जलवे भी ना अलग है। वैसे आज बहुत देर लगा दी आने में, कहीं हमसे मुकाबला तो नहीं कर रही थी? अरे नहीं नहीं, आपसे काहे करेंगे। अरे लड़की देखने जा रहे हैं अपने भतीजे के लिए, तो अच्छे से तैयार तो होंगे ना? हाँ क्यों भाभी? बड़ी भाभी आपको क्या हो गया, आपका मुंह काहे लटका हुआ है? अरे इतनी अच्छी सुंदर नौकरी करने वाली बहू मिलने वाली है आपको। क्या मतलब? गुणों और पैसों की तुलना नहीं की जाती। अरे नहीं नहीं भाभी, वो तो हम ऐसे ही कह दिए। क्या है ना भाभी, कमाऊ बहू बेटी की जिम्मेदारी का बोझ आधा कर देती है। वैसे हमारा वरुण बहुत ही किस्मत वाला है। तनुजा, सिर्फ किस्मत से कुछ नहीं होता, मेरे बेटे ने मेहनत भी बहुत की है, तब जाके किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छी नौकरी, 2 लाख रुपए की सैलरी और अब नई गाड़ी, सब कुछ अपने पैसों से किया है उसने। वरना आजकल के लड़के घर में पड़े रहते हैं और बाप के आगे हाथ फैलाते हैं। भाभी ये आप मेरे बेटे के लिए सुना रही हैं ना? अरे किसी से भी कम नहीं है मेरा बेटा। अरे बस कमी है तो एक नौकरी की, पर आज इंटरव्यू के लिए गया है और आज नौकरी भी मिल जाएगी उसे। वो तो जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन अभी चलें, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। भाभी आप लोग चलिए ना, हम 2 मिनट में आते हैं। बोलो। अरे अभय बेटा तुम इंटरव्यू पे पहुंच तो गए हो ना? मम्मी पहुंच रहा हूँ, क्यों क्या हुआ? अरे होगा तो तब जब तुम अच्छी नौकरी ला के हमारी नाक ऊंची करोगे। पता है आज नैना भाभी हमें फिर सुना रही थी वरुण के 2 लाख की सैलरी के बारे में। अभय तू ना 2.5 लाख की सैलरी ला, ताकि हम भी उन्हें अच्छे से सुना सके। हाँ ठीक है मम्मी, आपने बोल दिया, समझो दासू नौकरी मिल गई। बस आप अभी फोन रखो ना, अब बाय। चिंता मत कीजिए भाभी, अभय 13वीं बार इंटरव्यू निकाल लेगा। हाँ हाँ, किस सोच में पड़ गई आप? अरे अच्छी बहू क्या मिल गई, नैना भाभी के तो तेवर ही बदल गए। अरे इतना घमंड अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सब किस्मत का खेल है और किस्मत किसी पल भी बदल सकती है। प्रिंसिपल सर ना बिल्कुल सही कह रहे थे बबलू, तू जरा भी फोकस नहीं है। अरे मेहनत कर, थोड़ा फोकस बढ़ा, फिर देख तुझे लाइफ में सब कुछ मिलेगा। तू सुन भी रहा है मैं क्या कह रही हूँ, या फिर अभी भी तेरे दिमाग में वो रैप ही चल रहा है? दीदी बिना पढ़े लिखे भी लोग बन जाते स्टार, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, पढ़ाई लिखाई इज बेकार। सुन ली मैंने तेरी बातें चार, अब घर चल वरना पड़ेगी मम्मी से मार। अरे वाह दीदी, आप ऐसे भी हो, हम दोनों मिलके ना रैप बैंड बनाते। दीदी रुको 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 रुको, क्या है बबलू? एक मिनट, क्या कर रहा है? अभी आता हूँ बबलू।
बटन, इतनी बड़ी बाइक नहीं दिखी तुम्हें? I'm very sorry, वो मैं इधर जा रही थी, आप सामने से आ गए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं चाहिए मैडम, आपकी तो बिल्कुल हेल्प नहीं चाहिए। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा ना I'm sorry, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ ना। नहीं चाहिए, आप आगे मेरी बहुत हेल्प कर चुकी हैं, अब आप अपना देख लीजिए, मैं अपना देख लूंगा। आप लोग क्या देख रहे हो, पिक्चर चल रही है क्या? जाओ अपना काम करो। मैडम ये देखिए आपकी हेल्प, मेरी फेवरेट शर्ट थी ये। जब आप लड़कियों को स्कूटी चलाने नहीं आती है तो क्यों जिद करती हो चलाने की? देखिए जो हुआ मैं मानती हूँ उसमें मेरी गलती थी और मैं आपको सॉरी भी कह रही हूँ उसके लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कुछ भी कहेंगे। मुझे अपनी स्कूटी चलानी अच्छे से आती है। जी जी मैम वो तो दिख ही रहा है, आपके इसी डेमो की वजह से ना आज मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए भी लेट हो गया हूँ। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपको लेट हुआ, पर मुझे भी एक जरूरी काम से जाना था और अब मैं भी तो वहाँ पहुँचने में लेट हो रही। हेलो मैडम, यहीं बस होगी क्या? ट्रैफिक जाम हो रहा है, साइड में कीजिए इसे। हेलो श्रद्धा, कहाँ हो बेटा तुम? हाँ मम्मी हम लोग बस आ ही रहे। हाँ जल्दी आ जाओ। श्रद्धा को कितना टाइम लगेगा? उसी से बात कर रही थी, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। अरेंजमेंट कैसा लग रहा है? अरेंजमेंट तो सब ठीक है, बहुत अच्छा है, पर मुझे बहुत चिंता हो रही है, श्रद्धा अभी तक पहुंची नहीं, लड़के वाले आने वाले होंगे। अरे आ जाएगी, टेंशन मत लो। हे भगवान लगता है वो लोग आ गए, तो चलो वेलकम करते हैं। इतने अच्छे मूड में निकला था घर से, दो मिनट में सारे मूड का सत्यानाश करती। अजीब पगलेट है यहाँ। मैम बस दो मिनट में पहुंच रहा हूँ। रहने दीजिए मिस्टर त्रिपाठी, इंटरव्यूज आर ओवर। मैम बट स्कूटी पकड़े जा नहीं रही है, पर बैठ के रंगबाजी करनी है मैडम को, मारो तो चांस गया ना। नमस्कार। नमस्ते। आइए ना प्लीज, आइए अंदर आइए, आप आइए आइए। श्रद्धा को और पता नहीं कितनी देर लगेगी। इसकी वजह से मेरा काम खराब हुआ है ना, अब देखो कैसे मैं इसका काम खराब करूं। जैसे मेरा काम बिगड़ा ना वैसे तुम्हारा भी काम बिगड़ जाए। अबे ओए रुक, कहाँ जा रहे हैं? बबलू वापस आ, पर जल्दी आ। मना भी किया था कीर्ति को कि बाहर ना जाए, पर फोन भी नहीं उठा रही। श्रद्धा पता नहीं कहाँ है। श्रद्धा को फोन करूँ मैं? श्रद्धा दीदी आपका फोन बज रहा है। हाँ मम्मी का ही होगा, उठा। हेलो
हेलो बबलू। हाँ मम्मी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो बबलू, कहाँ हो बेटा? मेहमान आ चुके हैं। हम बस पहुँच रहे हैं। हेलो हेलो, हे भगवान, लड़के वाले आ गए और ये लोग पता नहीं कहाँ रह गए हैं। मिश्रा जी ने बहुत अच्छा घर दिखाया है। घर देखिए कितना साफ सुथरा है और कोई दिखावा भी नहीं है। ये तो है। दीक्षित जी, मैं अपने परिवार से परिचय करा दूं आपका। ये मेरी धर्मपत्नी नैना, ये मेरे छोटे भाई की पत्नी तनुजा, वो हमारी बहन रितु। नमस्ते। और ये हमारे छोटे भाई अनुज। अनुज की अपनी एक छोटी सी किराने की दुकान है। अच्छा, बस पहले मुझे बोला था यहाँ आके शुरू कर। वैसे ये तो भाई साहब का बड़प्पन है, पर हमारी दुकान इतनी भी छोटी नहीं है। श्रद्धा भी बस पहुंचने वाली है, वो आज थोड़ा देर हो गई। दरअसल हमारा छोटा बेटा है ना बबलू, उसके स्कूल गई है। पूछो। आपका बेटा वरुण दिखाई नहीं दे रहा है। लीजिए, आ गया वरुण। बेटा, काम अब कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है अंकल। जिस कंपनी में मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, वहीं पर अभी-अभी मुझे प्रमोशन मिला है। So now I'm working as a senior manager। ये तो बहुत अच्छी बात है। बधाई हो। थैंक यू। हमें ये बताइए भैया, क्या आपके घर में और कौन कौन है? जी, श्रद्धा की छोटी बहन कीर्ति कॉलेज में पढ़ती है और छोटा भाई राहुल वो स्कूल में जाता है। प्यार से हम उसे बबलू कहते हैं। उसी के स्कूल में गई है श्रद्धा, बस थोड़ी देर में आती होगी। भाभी, अच्छा होता अगर अभय भी हमारे साथ आया होता। आज इंटरव्यू देकर उसे जॉब तो मिल ही जाएगी। लगे हाथ इनकी छोटी बेटी कीर्ति को भी देख लेता। क्या पता हमारे अभय का घर बस जाता। हाँ, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। जी। हेलो अभय बेटा, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया। जब अपनी किस्मत की बैंड बजी हो तो कोई क्या ही करेगा। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। टकरा गया था एक मनहूस लड़की के साथ, जिसकी वजह से सारा काम बिगड़ गया मेरा। ओहो, अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, तुम ना एक काम करो, तुम सीधे यहीं आ जाओ, क्योंकि घर की चाबी तो हमारे पास ही है ना। और क्या पता उनकी छोटी बेटी से तुम्हारी बात बन जाए। हमारी बात? मम्मी, ये सीधे नौकरी से आप सीधे शादी पे कैसे पहुंच गए? पैसे बचा रहे हो कि एक ही दिन एक ही मंडप पे सब बच्चों को निपटा दो साथ में? ओहो, बस तुम शांत हो जाओ। हाँ, आके चाबी ले लो, घर रास्ते में, ठीक है? हाँ ठीक है, आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ? इतनी देर तो श्रद्धा को कभी नहीं हुई।
मुझे बहुत चिंता हो रही है। समझदार लड़की है, बबलू साथ में है, फिक्र करने की कोई बात नहीं, आ जाएगी। अरे अबे अंकल, ये अबे मेरा कजिन और अनुज चाचा का बेटा। तू बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आना। नमस्ते। नमस्ते। तू ठीक है ना? ये तेरे कपड़ों को क्या हुआ है? मैं पानी लेकर आती हूँ। बेटा ये सब क्या हो गया तुम्हें? हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मम्मी, वो क्या बताऊं, रास्ते में आते हुए एक लड़की से टकरा गया था। बाइक पे बैठे ना, आजकल सबको जॉन अब्राहम बनना है। मैडम को ना सड़क और बाइक का कुछ अता पता नहीं है, बस औरंगजेब बने घूम रही है। देखो ना सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे, मैं इंटरव्यू भी नहीं जा पाया। हाय मेरा बच्चा। श्रद्धा, पानी। श्रद्धा ये सब क्या है, ठीक तो हो? चलो जल्दी। ये हमारी बड़ी बेटी श्रद्धा है। नमस्ते। कोई हमें भी बता दीजिए कि ये कमल कीचड़ में खिला है या अखाड़े में। ये देखिए इन्हें साथ लाए हैं हम ये तमाशा देखने के लिए। श्रद्धा बेटा ये कीचड़ कैसे लगा? मामा वो हम तो ये चाबी लेने आए थे, चाबी दीजिए मुझे निकलना है। तू इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? अब आ ही गया तो थोड़ी देर बैठ जाना। अरे वरुण रुक जा, थोड़ा जरूरी काम है यार।
माँ चाबी दीजिए ना। क्लास बाय। बबलू बेटा तुम कुछ कह रहे थे? पापा वो बबलू कुछ नहीं पापा, वो रास्ते में ना स्कूटी फिसल गई थी तो घर आने में थोड़ी देर हो गई। सब ठीक है ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ पापा सब ठीक है, आप परेशान मत होइए। चलो कोई बात नहीं नैना जी, श्रद्धा मुंह हाथ धोले फिर हम इसे नीचे ले आते हैं। चलो श्रद्धा, चलो बबलू तुम भी कपड़े बदल लो। आसमान कितना ही क्यों ना साफ हो, सर मुंडवाते ही ओले तो मेरे ही सर पे गिरेंगे। टकराया भी उससे जिससे भाई के रिश्ते की बात चल रही है। 3D में सुनाएगी पापा को सारी स्टोरी। उनके लिए तो मैं आगे ही निकट हूं, बाकी रही कसर तो मैडम की स्टोरी पूरी कर देगी। क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा? तंग कर दिया नन्ही सी जान को, कभी तो कुछ अच्छा करो। श्रद्धा, आज मेरी वजह से तुम्हारी स्कूटी की टक्कर हुई ना बेटा, कुछ भी दिक्कत हो दर्द हो तो हमें बताना। हाँ घबराहट में हमने फोन कर लिया और तुम्हारी स्कूटी की टक्कर। मम्मी आप क्यों इतना घबरा रही हैं? सब ठीक तो है? देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जानते हैं हम, पर एक बार मन में ख्याल तो आएगा ना कि लड़के वाले पता नहीं क्या सोचते होंगे। वैसे सक्षम जी एक बात तो है, प्रभु की कृपा से श्रद्धा को कोई चोट नहीं लगी, बिल्कुल ठीक है वो। जी ये लीजिए, श्रद्धा का नाम लिया और श्रद्धा आ गई। देखिए जरा कितनी घबराई हुई है। घबराओ नहीं, यहाँ कौन सी स्कूटी फिसलने वाली है? हमारा मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ संभालने के लिए, तो डरो नहीं, आराम से बैठो। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे मौकों पे तो हर कोई थोड़ा बहुत घबरा ही जाता है, तुम आराम से बैठो। मिश्रा जी बता रहे थे आपने फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है। जी फैशन डिजाइनिंग में टॉप किया है कॉलेज में इसने। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे वरुण ने भी डिस्टिंक्शन से कॉलेज पास किया है। दफ्तर में काम तो बहुत रहता होगा, तो काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारी निभाने में तो दिक्कत होती होगी ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अब हम आपको क्या बताएं, हमारा आधा काम श्रद्धा ने बांट लिया है, ये सारा नाश्ता इसी ने बनाया है। श्रद्धा आप भी कुछ बोलिए। आंटी जी, बुआ जी, रितु बुआ जी, बुआ जी वो मुझे घर का काम करना या घर संभालने में कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होती है, बल्कि ये तो मुझे अच्छा लगता है और मैं आगे भी जॉब करना चाहूंगी। बेटा हमें कोई एतराज नहीं है, हमें श्रद्धा बेटी बहुत पसंद आई है।
अब बेटा आप बताइए। चलिए हम सबको श्रद्धा बेटी बहुत पसंद आई। भाई साहब हमारी तरफ से हाँ। भाई साहब ये हमारा जमाना तो है नहीं जो बड़ों ने शादी तय की और शादी हो गई। मैं सोच रहा था अगर बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो क्या कहते हैं आप? श्रद्धा को रिश्ता पसंद है, देखिए ना कैसे शर्मा के ऊपर चली गई। पसंद तो है यशवी, लेकिन एक बार बच्चों का भी आपस में बात करना बहुत जरूरी है। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वरुण बेटा जाओ श्रद्धा से बात कर लो एक बार। बबलू बेटा। हाँ पापा। वरुण भैया को ऊपर ले जाओ। शिट, 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 क्या कर रही हूं मैं? सॉरी। अरे वो जल्दी जल्दी में ना हमने सारा सामान एक ही बैग में डाल लिया इसीलिए बैग टूट गया। हम अभी समेट देते। अरे ये रायता तो 2 मिनट में फैल, हम समेट देंगे सारा। कीर्ति ये सब क्या है? अरे मम्मी जो शॉपिंग की थी जो वो भी गिर गई है। चुप करो, लड़के वाले आ चुके हैं, चुप करो। बड़े सस्ते में लिए सब। कीर्ति ये हमारी छोटी बेटी कीर्ति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते। नमस्ते बेटा। एक सेकेंड, थैली गिनने पे मम्मी ने ज्यादा डांटा नहीं और सबके चेहरे पे मुस्कान। जीजा जी पक्के हो गए क्या? हाँ कीर्ति पर जीजा जी है। अरे मम्मी जीजा जी वरुण है ना? खड़े होइए, अरे खड़े होइए जल्दी। वाह भाई वाह, टॉल फेयर एंड हैंडसम। दीदी के तो बम्पर लॉटरी लग गई। बाय गॉड, आप क्यों खड़े हैं? बैठिए ना जी। ये कीर्ति बिना बहुत ज्यादा बोलती है, पता ही नहीं कि क्या बोलना है इसे। आप इसकी बात का बुरा ना मानिएगा। अरे नहीं नहीं अश्वी जी, कीर्ति बहुत प्यारी लड़की है। बड़ी हंसमुख है आपकी बेटी, इसके आते ही पूरे घर का माहौल बदल गया है। आई एम श्योर पूरे दिन घर में रौनक लगा रखती होगी। है ना अंकल जी, ये बात ना आप हमारी मम्मी को समझाइए, इन्हें लगता है कि हम बस शोर मचाते हैं। वो तो हम देख ही चुके हैं। अरे एक मिनट रुको, लेकिन बेटा ये बताओ क्यों? अब ये तो आपको हमारी माता श्री बताएंगी, पूछिए इनसे।
चुप करना कीर्ति, बहुत बोलती है तू। वैसे बेटा आप कहीं बाहर से आ रहे हो? हाँ आंटी जी, हम ना अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से आ रहे हैं। नहीं जाते ना तो नेक्स्ट बर्थडे तक उसका मुंह ही फूला रहता। पर ये आपको कैसे पता चला? आप जो इतने तैयार हुए हो, बहुत अच्छे लग रहे, इसीलिए पूछा। थैंक यू आंटी जी। सुनो मम्मी, हमें ना सजने संवरने का बड़ा शौक है, हमें मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, पर हमारी दीदी ना, हमारी दीदी बिल्कुल अपोजिट है, उनको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो बड़ों की तरह बातें करती हैं, बड़ों की तरह कपड़े पहनती हैं, है ना जीजा जी? अब वो हमें कैसे पता होगा? हाँ, इन्हें कैसे पता होगा, ये तो अभी अभी मिले हैं। अरे मैं भी ना, अब वैसे आप दोनों की बात तो हुई ना? आप चुप रहेंगी तभी कोई और बोल पाएगा ना। अरे आंटी जी, बुआ जी। ओके बुआ जी, फिकर नॉट, हमें ना हम किस दिन काम आएंगे, साली किस दिन काम आती है। चलिए हम आपको मिलवाते हैं अपनी दीदी से। अरे उठिए, जल्दी करिए दीदी से मिलना। कीर्ति, अरे क्या कर रही हो तुम? अरे मम्मी, हम कर रहे हैं ना, आप समोसे खाइए और आप हमारे पीछे आइए। भाभी, बड़ी जितनी शांत, छोटी उतनी पटाखा, धमाका है। भाभी, हम आपको लेके चलते हैं, पर एक सेकेंड, पहले आप होने वाली जीजा जी। जीजा जी, आपके कदम तो अभी से लड़खड़ाने लगे। आपका ध्यान किधर है? हमारी दीदी इधर है। वैसे आप हैंडसम तो बहुत है, पर हमारी दीदी भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। उप्स, दीदी का इशारा मतलब हमारा शट अप और हम चुप, तो आप दोनों टॉक। ऐसा लग रहा है कि कोई साइलेंट फिल्म देख रहे हैं जिसमें डायलॉग है ही नहीं। लगता है मुझे ही डायलॉग डालना पड़ेगा। वरुण जी, बहुत ही घिसा पिटा सवाल है, पर आपकी हॉबीज क्या क्या है? जी, पेंटिंग। पेंटिंग, क्या बात है, दीदी को भी पेंटिंग बड़ा पसंद है। और क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। क्या बात कर रहे हैं, सेम टू सेम, दीदी को भी ना किताबों का बड़ा शौक है, हमेशा बैग में किताब लेके चलती हैं। कितनी मिलती है आप दोनों की पसंद। लीजिए चाय। कीर्ति, ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
हमारे दोनों मुंह पे टेप लगा के बैठे थे, हम बात करवा रहे थे। चुप कर, तुम दोनों बात करने दोगे तब बोलेंगे ना वो। चलो नीचे चलो बबलू, तुम भी नीचे चलो, इन दोनों को बात करने दो। नहीं आंटी, मुझे श्रद्धा से और कुछ नहीं पूछना। हमें लगता है कि बच्चों को बुला लेना चाहिए, काफी वक्त हो गया है, बातें हो ही गई होगी। अरे लो बच्चे आ ही गए। आइए जी जी, आप यहाँ बैठो। दीदी आओ ना, बैठो। ये दोनों ना ऊपर मौन व्रत डाल के बैठे। जितनी बोरिंग हमारी दीदी है, उतनी ही बोरिंग हमारे होने वाले जीजा जी। एकदम परफेक्ट जोड़ी, हम बता रहे हैं। चुप करना। सच तो बोल रहे हो। कीर्ति, ये देखिए 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 देखिए, अभी भी दोनों चुपचाप ही बैठे हुए हैं। कीर्ति बस कर। नहीं नहीं बहन जी, बोलने दीजिए। हंसते बोलते बच्चे घर का रूप बदल देते। अच्छा भाई साहब, अब इजाजत दीजिए, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब आपको हमारे घर आना है, बाकी की बातें वहीं होगी। बहुत अच्छा लड़का और परिवार है, बस मेरी श्रद्धा की किस्मत की लकीरों में सब अच्छा ही हो। ध्यान से रखियो बेटा। वो लोग ना तेरी बेकार की बकबक सुनने के लिए नहीं यहाँ आए थे, जो मुंह में आए बोल देती हो, वो समझ के तो बोला करो। देखा तुमने, लड़के के सामने शुरू हो गई थी, कुछ भी बोलती है ये। पता नहीं वो लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। मम्मी आप ही सोचते हो ये सब, देखा नहीं वो तो हमारी तारीफ करके गए। वो अंकल जी क्या कह रहे थे कि हमारे चटर पटर से ना इस घर में रौनक भी नहीं रहती होगी। हाय ब्यूटीफुल बुआ जी। क्या बुआ जी, अकेले अकेले एप्पल खाओगे, मुझे नहीं खिलाओगे? ओ तू भी आ जा। आ गई तू कॉलेज से? हाँ आ गई, और बहुत थक भी गई। अभी तो बहुत जोर से भूख लगी है, आप बस जल्दी से कुछ बनाकर खिला दो। अरे हाँ हाँ बना रहे हैं। बात सुनो मेरी, अगर आज मेरी इम्पोर्टेंट क्लास नहीं होती ना तो मैं भी आप लोगों के साथ चलती। आप मुझे कुछ बताओ ना कि वहाँ पर सब कुछ कैसा रहा, आई मीन घर कैसा था, लड़की कैसी थी, स्टाइलिश थी या फिर मैंने घरेलू पहनो। ताई जी तो इतनी तारीफ कर रही थी कि लड़की ऐसी है वैसी है कैसी है। ठीक है बताती हूँ। देख अगर तुलना हमसे की जाए तो तू भी की पड़ेगी, पर हाँ अगर तुलना दूसरी लड़कियों से की जाए तो ठीक ठाक ही थी। और तुझे पता है बड़ी बहन जितनी शांत और समझदार,
छोटी ना मशीन गन थी। लेकिन लड़की है बहुत प्यारी, हमें तो बहुत पसंद आई। महारानी साहिबा, पेट भर के ठूस लिया हो तो कुछ मदद कर दो हमारी सामान रखने में। काहे पीछे पड़ी रहती हो हमारे? कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, बता रहे हम तो, दिमाग ही खराब है। श्रद्धा सुनो बेटा, तुमने बताया नहीं वरुण कैसा लगा तुम्हें, पसंद आया? मम्मी मम्मी आप आओ ना दो मिनट। ओह आप भी यहाँ पर हो। अच्छा ये बताओ इंटरव्यू कैसा रहा आपका? तू अपना काम कर ना, पढ़ाई तो मुझे करनी नहीं है। अरे बस मोबाइल खेलना है। मम्मी चलो ना दो मिनट। अरे तू कहाँ मुझे खींच के ले जा रहा है? हा? अरे वहाँ कुछ हुआ क्या? वो लड़की जिससे शादी की बात चल रही है। हाँ हुआ। क्या हुआ? अरे होगा क्या, रिश्ता पक्का करने गए थे, रिश्ता पक्का करके आ गए और क्या। अच्छा गुड, वो लड़की क्या नाम है उसका, श्रद्धा, उसने मेरे बारे में तो नहीं कुछ बोला? तेरे बारे में? अरे उसने तो वरुण से भी ज्यादा बातें नहीं की, तो तेरे बारे में क्या पूछेगी वो। बचा लिया आपने भगवान जी, मतलब कुछ नहीं कहा उसने। थैंक यू। अरे मेरी प्यारी मम्मी। अरे तेरा इंटरव्यू कैसे गया ये तो बता। बताता हूँ सब बताता हूँ। वो क्या है ना, अचानक वहां से निकल गया, भाई के रिश्ते की बात चल रही है तो बुरा नहीं लगना चाहिए ना। किसी को बुरा नहीं लगा और किसी ने आपको मिस भी नहीं किया। हमने कुछ मिस किया क्या? वैसे बुरे लोग हो तुम लोग यार, बहुत बुरे लोग। सुबह मेहमानों के लिए हम कप केक्स लेकर आए थे, उसमें से एक नहीं बचाया आप लोगों ने हमारे लिए। हे भगवान, जब घर पे 7-8 मेहमान आते हैं तो ये 4 कप केक कौन लाता है? एक कप केक के 2 टुकड़े करके प्लेट में रखे मैंने उनके सामने, कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया कर। मम्मी आप ना कभी ना करना हमारी तारीफ, हमेशा हमने गलतियां निकालती रहती हैं आप। सुबह सुबह हमारा वीडियो भी खराब कर दिया था, इस घर में हमारी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। और लड़की वाले तो जैसे बड़े अच्छे थे, ये देखो रोज गया ना सारा कपकेक। ये हटो, पागल है ये, वो मुझे पागल कर देगी। हद होती है। एक मिनट दे दे रही ना, कीर्ति दीदी ने सही पकड़ा इनको। मम्मी को बताओ उस अभय के बारे में जो किया उसने हमारे साथ। बबलू हम तो ये जानना चाहते हैं कि बुलेट ट्रेन की तरह तुम आए और चले गए, आखिर हुआ क्या? वो काम पापा, वो आप तो जानते ही हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। हाँ इस शहर में तो सिर्फ 2 लोग ही बिजी हैं, एक अपने कलेक्टर साहब और दूसरे आप। आपके इंटरव्यू का क्या हुआ? नौकरी के इंटरव्यू के लिए गए थे ना, क्या हुआ इंटरव्यू का? अरे थका हारा लड़का आया है, उसे कुछ खा पी लेने तो दीजिए आप। हाँ खिलाओ। तनुजा जी आपने अपने बेटे को बिगाड़ रखा है, इसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा है इसके इंटरव्यू का रिजल्ट। नहीं नहीं पापा, इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा गया था। हाँ लेकिन ग्रहों की दिशा इधर उधर हो गई होगी। हाँ वो किसी और डायरेक्शन में चला गया होगा, किसी और को मिल गई होगी ना नौकरी। पापा क्या ही कर सकते हैं। अरे अरे हम कह रहे हैं ना कोई बड़ी सिफारिश लेके आ गया। हाँ सारी दुनिया तो हाथ धो के आपके सुपुत्र के पीछे पड़ी हुई है। सच तो ये है कि हमारा बेटा नालायक है। देखो अपने वरुण को। अरे आप तो बस हर चीज में वरुण से मेरा कंपैरिजन करना, देखना उससे अच्छी नौकरी लेकर आऊंगा मैं। ख्याली पुलाव पकाने से अच्छी नौकरियां नहीं मिलती। मम्मी अरे बेटा तू जा हाथ मुंह धो और कुछ खा जा जा। पापा को पता नहीं क्या है, हर चीज में चढ़े रहते हैं मुझ पे, हर बात पे डांटते हैं। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या, जब देखो मेरा रास्ता काटती रहती हो? Thank you.
रास्ता इधर, मंजिल इधर, अब आप ही बताएं हम जाएं तो जाएं किधर? ताया जी की दोस्त की बेटी हो, घर वालों ने यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा है। बताऊं तुम्हारे घर वालों को, तुम यहाँ पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ कर रही हो? मैं बता रहा हूँ, मुझसे ना पंगा मत लेना। हमारे दिल को तो समझा दिया आपने, अब हमारी तरफ से अपने दिल को भी समझा दीजिए। बता दीजिए उसे कि सोनिया का दिल आ गया उस पे। हटो हटो, चुप, देखो फालतू बकवास। मैं बता रहा हूँ, मुझे परेशान किया ना, मैं ताया जी को बता दूंगा, मैं सही कर रहा हूँ। जितना गलत वो था, हम भी उतने ही गलत थे। हमारी स्कूटी उसके बाइक से टकराई थी ना। पर दीदी उसने, अबलू बात खड़ी तभी करनी चाहिए जब हम पूरी तरह से सही हो, और यहाँ पे हमारी गलती भी तो थी ना, तो बस बात खत्म। और वैसे भी तू जानता है ना, मम्मी ऑलरेडी कितना परेशान रहती है, अब ये बता के हमें उनकी परेशानी और नहीं बढ़ानी चाहिए। अच्छा दीदी, मैं जाता हूँ खेलने। श्रद्धा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? कुछ नहीं मम्मी, आप कीर्ति को लेकर इतना परेशान क्यों रहती हैं? वो भी छोटी है, उसे हम प्यार से समझाएंगे ना तो वो समझ जाएगी। और आप देखती है ना, वो अपना काम, अपने कॉलेज का काम कितने अच्छे से करती है। इसी बात की तो चिंता है बेटा, कि वो सिर्फ अपना सोचती है, घर में जिद चल जाती है, पर ससुराल में बड़ी दिक्कत होगी उसे। अरे भाई, हमें तो दीक्षित जी के परिवार से मिलके बहुत खुशी हुई। हाँ, हमें भी बहुत बढ़िया लगे और खानदानी भी लगे। श्रद्धा मॉडर्न है लेकिन है बहुत सुलझी हुई। बस एक बार बहू बनके हमारे घर में आ जाए तो हमारी तो सारी चिंता खत्म। क्यों इतनी चिंता करती हैं आप कीर्ति की? क्यों चिंता ना करें, तीन तीन बच्चों की जिम्मेदारी है हमारे सर पे। कुछ समय में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम तो अपने ससुराल चली जाओगी, फिर कौन समझाएगा इसे? इसे की सुनती है ये लड़की, कैसे संभालेगी अपना घर? मम्मी, उसके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई है, जब आएगी तो आप देखिएगा, आपको एक नई कीर्ति देखने को मिलेगी। तुम ना हर बार हमारा गुस्सा शांत कर देती हो, जाओ आराम करो। जब तक इस घर में हो, तुम्हें जितना सुख दे सके बस वही करेंगे हम। वरुण बेटा, चाय लो। क्या बात है वरुण बेटा, तुम खुश नहीं दिखाई दे रहे। हमने भी नोटिस किया, वापसी में पूरे रास्ते चुप था, कुछ बोला भी नहीं। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूं, पर मुझे श्रद्धा से शादी नहीं करनी। नहीं करनी? हम समझे नहीं, अभी तो मिलके बात करके आए हो, अचानक ऐसा क्या हो गया? बेटा ये शादी ब्याह का मामला है, कोई मजाक नहीं है। इतने अच्छे घर में रिश्ता तय हो रहा है और तुम हो के इस तरह, और हम सक्षम जी को क्या जवाब देंगे? यही कहेंगे कि मुझे उनकी बड़ी बेटी श्रद्धा नहीं, उसकी छोटी बहन कीर्ति पसंद है। और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। होश में तो हो तुम? ये दिल्ली मुंबई नहीं है जहां सब कुछ चलता है, या आज भी एक कायदा है जहां लोग एक दूसरे की बातों का मान रखते हैं। पापा मैं बस, सक्षम जी ने सामने से कहा कि लड़का लड़की बात कर ले एक बार, तब तो तुम कुछ नहीं बोले। तो अब मैंने उसकी छोटी बहन को नहीं देखा था, और फिर
घर वही है, फैमिली वही, बस बड़ी बहन की जगह छोटी बहन। दिमाग खराब हो गया इनका। रिश्तों में अदला बदली नहीं होती है वरुण। और तुम हमसे क्या चाह रहे हो कि हम वहां जाएं और कहें, दीक्षित साहब सुबह तो आपकी बड़ी बेटी पसंद आई थी, लेकिन शाम आते आते हमारे सबूत को आपकी छोटी बेटी पसंद आ गई, इसलिए दुल्हन चेंज। एक मिनट वरुण, तुम ये बताओ कि श्रद्धा में कमी क्या है? हाँ, हमने तो सब सोच समझ कर। मम्मी, कीर्ति को पसंद करने के लिए श्रद्धा में कोई कमी होना जरूरी थोड़ी है। मुझे बस कीर्ति जैसी हैप्पी गो लकी एक जिंदा दिल लड़की पसंद है। पर पापा आप भी तो कह रहे थे कि एक जिंदा दिल लड़की घर को रोशन कर देती। अब आप अपनी बात से क्यों पलट रहे? ये कैसा बेहुदा सवाल है? सवाल मेरी लाइफ का है पापा, इसलिए इतना बोल रहा हूँ। पर आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अभी कोई रस्म वगैरह थोड़ी हुई, बस हाँ ही बोला है ना, तो हम उन्हें कह देंगे कि बहू उनके ही घर से आएगी, बस बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी। ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो, हम मानते हैं कि कीर्ति बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ऐसी जिंदा दिल और घर में रौनक लाने वाली लड़की घर भी संभाल पाए ये जरूरी नहीं है। और श्रद्धा में वो सारे गुण हैं। कान खोलकर सुन लो वरुण, हमने दीक्षित जी को वचन दिया है कि श्रद्धा इस घर की बहू बनकर आएगी, और अगर तुम्हें इस शादी से इनकार है तो हम जाकर हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे और इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे। अब जल्दबाजी मत कीजिए, इतनी अच्छी लड़की, इतना अच्छा रिश्ता इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलता है। शादी मेरी है और मैं कीर्ति से ही करूंगा। वरुण, हमारी बात तो सुन लो एक बार। पता नहीं क्या हो गया है वरुण को, कैसे समझाए उसे कि श्रद्धा साक्षात लक्ष्मी है। ये क्या, तू आज आर्टिस्ट फेशियल कर रही है? हंसो आप, बस हेल्प मत करना। मैं ये स्टूपिड हूँ कि रोटी बनाने के लिए सूखा आटा ऊपर से उतार रही थी और अपने ऊपर ही गिरा लिया। यहाँ बहन रोटी बेल बेल के उसके हाथ में मोच आ गई, आंखें जल रही हैं, पर आप हंसना, बहुत मजा आ रहा है ना आपको? तो एक रोटी बनाने में इतना सब कुछ हो गया कीर्ति? और नहीं तो क्या, इसलिए हम कहते हैं कि मम्मी हमें इस किचन के तामझाम से बाहर रखो, पर नहीं। अब देखो हमारा फेस, हमारे कपड़े पूरे खराब हो गए, हमें सब सफाई करनी पड़ेगी। अभी हमारे खाने के लिए नहीं, हमारे फेस के लिए यूज होगा। और आप भी चलो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। अरे ये सब छोड़ के कैसे आ जाऊं? मम्मी के आने से पहले ये सब कुछ साफ हो जाना चाहिए, वरना तुझे पता है ना। थैंक यू। अरे थैंक यू क्या, कल ही हम पूरा कमरा तुम्हारा साफ करके गए थे, और अब देखो, अरे एक ही दिन में तुम इतना सारा सामान बिखेर कैसे लेते हो? यहाँ कप पड़ी हुई है, खाने में मक्खियां लग रही हैं, उधर बिस्तर में मोजे, इसीलिए डांट खाते हो तुम अपने पापा से। अरे क्या करोगे तुम अपनी जिंदगी में? सोचा है ना, मम्मी की बात सुननी है, ना पापा से बात करना है, अरे कब तक चलेगा ये सब? क्या मम्मी, पापा कम से क्या जो आप भी शुरू हो गए, और सबके सब मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मम्मी कोशिश कर तो रहा हूँ, आपको क्या लगता है मुझे ये रोज डांट खाना पसंद है क्या? तो तुम्हें क्या लगता है बेटा कि हमको बहुत मजा आता है रोज नैना भाभी से ताने सुनना, कभी निकम्मा कभी निठल्ला, और पता नहीं कौन कौन नाम से तुमको बुलाती रहती है। अरे हमको एकदम नहीं अच्छा लगता है। अरे इसीलिए तो हम सोच रहे थे बेटा कि
दीक्षित जी की छोटी बेटी से तुम्हारी बात पक्की हो जाए और तुम में थोड़ी सी जिम्मेदारी। मम्मी प्लीज, शादी हर समस्या का इलाज नहीं होता है। तो मैं आपको कितनी बार बोल चुका, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अरे अरे अरे, अरे कहाँ जा रहा है? पता नहीं ये लड़का कब समझेगा। कीर्ति, कीर्ति मैं कर रहे। और किचन में जो तूने इतना सब कुछ फैलाया था ना, उसे समेटने में 1 घंटा लग गया मुझे। और फिर बबलू को भी तो पढ़ा रही थी। तू ये फोन दे, ये फोन दे। क्यों? ये फोन दे। तू भी ना कीर्ति, ये क्या हालत बना रखी है कमरे की। कीर्ति, अरे क्या कर रहे हो? इधर आइए। अरे अरे साफ करने दे। बैठो। तू कमरे की हालत देख। अरे साफ करने दे। हमें ना तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, है ना डब्लू? अच्छा, इम्पोर्टेंट बात ना मुझे तुझसे करनी है। पहले ये बता, मम्मी पापा या मुझसे बिना पूछे तूने बबलू को मोबाइल फोन क्यों दे दिया? अब गिफ्ट देने के लिए क्या पूरा बोर्ड मीटिंग बुलाते है? नहीं ना, बबलू के सारे फ्रेंड्स के पास फोन था तो हमने उसे भी दे दिया। सिंपल। इतना सिंपल नहीं है कीर्ति, पर प्रिंसिपल सर ने बुलाया था। कितना अपसेट थे वो, कह रहे थे कि बच्चों को स्कूल में मोबाइल फोन देना स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। और तुझे पता है? एक मिनट दीदी, डब्लू एक सेकंड। दीदी तुम्हें तो पता है ना उस प्रिंसिपल के बारे में? हाँ, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं था। डब्लू के सारे फ्रेंड्स के पास फोन है दीदी, थोड़ा उसे भी शो ऑफ करने दो, उसमें क्या गलत है? ये कोई शो ऑफ करने की उम्र है? हाँ, वो भी स्कूल जाता है कीर्ति, अभी उसकी पढ़ाई करने की उम्र है। और हम उसे जितना डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तू ना ये सब उसे गिफ्ट दे के बिगाड़ दे, खुली छूट दे दे उसे। दीदी आपकी प्रायोरिटीज ना गलत है। देखा डब्लू, दीदी ना नाराज हो गई। अच्छा ठीक है, आपने ले लिया ना फोन बबलू से, हो गया काम खत्म, अब क्या नाराजगी? और क्या दिन भर ये सफाई 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 करती रहती हो? आपको कहीं जाना था ना? जाना तो है मुझे, पर ये तू कमरे की हालत देख, ऐसे गंदा छोड़ के चली जाऊं और मम्मी का काम बढ़ा दूं? हे भगवान, क्योंकि तू तो ये सब करने से रही। आउच, 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 बार बार टर्न से आप दोनों ने डिसाइड किया है क्या कि मुझे लेक्चर सुनाएंगी? कभी आप सुनाती, कभी मम्मी सुनाती, कभी आप कान खींचती, कभी मम्मी कान खींचती है। अगर तुझे लेक्चर ही सुनाना होता ना तो यहाँ तुझे बिठा के लंबा वाला लेक्चर देती। अरे तू भी तो समझ ना, अपना काम खुद करने से हम इंडिपेंडेंट बनते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बनते हैं। और कीर्ति इन सब में थोड़ी मम्मी की हेल्प भी तो हो जाएगी ना? उसके लिए आप है ना, और हम अपना पूरा टाइम इस बात में क्यों वेस्ट कर रहे हैं? डब्लू हमें कितनी इम्पोर्टेंट बात करनी थी ना। क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है आप बता दे फाइनली। अरे 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 अरे, अरे, अरे। ये बताओ आपको वरुण कैसा लगा? अरे आंखें काम नहीं करती क्या तुम्हारी? ये मेरे फोन से कोई दुश्मनी है? अगर फोन से दुश्मनी है तो ईंट लेकर आ तोड़ दे इसे। चल ठीक है, मैं तो तुझे कुछ बताने आई थी नीचे जो तमाशा हुआ है, लेकिन तुझे अगर नहीं जानना कि वरुण ने क्या किया तो ठीक है। क्या किया? वो एक्चुअली वरुण ना नैना आंटी और दिलीप अंकल से लड़ पड़ा। क्यों? वो तो इस घर का श्रवण कुमार है ना, वो क्यों लड़ा? क्योंकि उसे श्रद्धा से नहीं उसकी छोटी बहन से शादी करनी है, वो क्यूट है ना। हाँ तो छोटी से कर ले, मुझे क्या है? तू हमेशा घोड़े पे सवार क्यों रहता है? पहले पूरी बात तो सुन लिया कर। अंकल जी ने उसको मना कर दिया और वो घर छोड़कर चला गया, तो तू उसको कॉल कर और पूछ। मैं ना दूसरों के पछड़े में ना पैर नहीं फंसाता है, पता है क्यों? क्यों?
क्योंकि दोस्त सांडों की लड़ाई में ना हमेशा पिस्ता खरगोश ही है। यार तू ना हमेशा अपने आप को क्रेडिट मत दिया कर खरगोश बोल के। और वैसे भी ये तेरे अपने भाई का मामला है, किसी दूसरे का नहीं है। तुझे क्यों इतनी फिक्र हो रही है? यार फिक्र तो तुझे भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो घर से बाहर गया ना, कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। और अंकल आंटी भी बहुत परेशान हो रहे, तो तू कर ली ना यार एक बार कॉल। मैं करता हूँ, तू दूर रह मुझसे, मैं कर रहा हूँ। हमने दीक्षित जी को वचन दिया है कि श्रद्धा इस घर की बहू बनकर आएगी, और अगर तुम्हें इस शादी से इनकार है तो हम जाकर हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे और इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे। काट दिया। तो एक बार फिर से कर लेना यार। क्या हुआ अबे, क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? हाँ? अरे तुझे क्या हो गया, तू क्यों बार बार फोन काट रहा है? देख भाई, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दे बस। देख वरुण, तू जितना अपनी लाइफ को ड्रामेटिक बना रहा है ना, उतनी हम लोगों की लाइफ ड्रामेटिक नहीं है। अरे घर वाले परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, यार जल्दी आ घर। लाइफ ड्रामेटिक होगी कैसे मेरे भाई, हमारे सारे फैसले तो हमारे घर वाले लेते हैं हमारे लिए, और फिर बता देते हैं कि हमें क्या फील करना चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है, तू बता, तू है काम, मैं आता हूँ दरबार। देख तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, अभी मुझे अकेला रहना है यार, मुझे मुझे अपने हाल पे छोड़ दे बस। हेलो, वरुण गुस्से में कहीं कोई गलत कदम ना उठा दे। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।